इस कहानी छोटी शरारत की बड़ी सीख में दो छोटे बच्चे शरारत करते हैं और उनकी शरारत से हमें जिंदगी में काम आने वाली एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। विकास और राहुल दोनों पांचवी कक्षा में पढ़ते थे। दोनों बहुत शरारती थे। वो दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ने आया जाया करते थे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई, तब विकास ने राहुल से कहा कि राहुल, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। राहुल ने उत्साह के साथ विकास को पूछा कि बताओ, तुम्हें क्या आइडिया आया है? विकास ने कहा, देखो सामने तीन बकरियां चर रही हैं। राहुल ने कहा, तो इनसे क्या मतलब? विकास ने कहा, हम दोनों आज सबसे अंत में स्कूल से निकलेंगे और जाने से पहले इन तीनों बकरियों को पकड़कर स्कूल में छोड़ देंगे। कल जब स्कूल खुलेगा तब सभी बकरियों को खोजने में अपना समय बर्बाद करेंगे और इस तरह से हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। राहुल ने कहा, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बकरियां खोजना कोई कठिन काम नहीं होता है। सभी मिलकर कुछ ही समय में ये तीनों बकरियों को ढूंढ लेंगे और थोड़े ही समय में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। विकास ने कहा, अरे वे बकरियां आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। राहुल ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। दोनों छुट्टी के बाद भी पढ़ाई के बहाने अपने क्लास में बैठे रहते हैं और जब सारे लोग स्कूल में से चले गए तब ये दोनों उन तीनों बकरियों को पकड़कर क्लास में ले आए। इसके बाद विकास ने इन तीनों बकरियों पे सफेद रंग से नंबर लिख दिए। विकास ने पहली बकरी पे नंबर 1 लिख दिया, दूसरी बकरी पे नंबर 2 लिखा और तीसरी बकरी पे 4 नंबर लिख दिया। तभी राहुल ने उनसे पूछा कि विकास, तुमने तीसरी बकरी पे नंबर 4 क्यों लिखा? विकास ने कहा, अरे दोस्त, यही तो आइडिया है मेरा। राहुल ने कहा, अरे तुम बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। विकास ने कहा, कल सभी तीसरे नंबर की बकरी ढूंढने में पूरा दिन निकाल देंगे और तीसरे नंबर की कोई बकरी है ही नहीं, इसलिए वो उन लोगों को कभी मिलेगी ही नहीं। अगले दिन दोनों दोस्त समय से कुछ पहले ही स्कूल में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में स्कूल के अंदर बकरियों के होने के कारण बहुत ज्यादा शोर मच जाता है। सभी लोग चिल्ला रहे थे। तभी किसी ने कहा कि ये पहले, दूसरे और चौथे नंबर की बकरियां तो आसानी से मिल गई, लेकिन ये तीसरे नंबर की बकरी पता नहीं कहां पर है। सभी लोग उस तीसरे नंबर की बकरी को ढूंढने लगते हैं। स्कूल का सारा स्टाफ उस तीसरे नंबर की बकरी को ढूंढने का बहुत प्रयास करता है, किंतु किसी को भी तीसरे नंबर की बकरी नहीं मिलती है, क्योंकि तीसरे नंबर की कोई बकरी थी ही नहीं। स्कूल में सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन विकास और राहुल बहुत खुश होते हैं। विकास ने राहुल से कहा, देखा न, तुमने मेरा आइडिया काम कर गया। राहुल ने कहा, हाँ यार, तेरा आइडिया काम कर गया। हिंदी इंस्पिरेशनल स्टोरी चाबी और हथौड़ा, शॉर्ट हिंदी स्टोरी राजा की तीन सीखें, खुद की गलती, शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आना स्वाभाविक है, किंतु हमें इस कहानी से जो संदेश मिलता है वो भी समझना जरूरी है। लाइफ में हम भी कई बार तीसरी बकरी को ढूंढने के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, किंतु वो हमें मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो वास्तविक में होती ही नहीं है। हम सभी को ऐसी लाइफ चाहिए जो परफेक्ट हो और जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किंतु वास्तव में ऐसी लाइफ होती ही नहीं है। सभी को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो उसे पूरी तरह से समझ पाए और कभी भी उनके बीच अनबन ना हो, किंतु वास्तव में ऐसा कोई होता ही नहीं है। सभी को ऐसी जॉब चाहिए जिसमें सब कुछ अच्छा हो और कोई भी टेंशन ना हो, किंतु वास्तव में ऐसी कोई जॉब होती ही नहीं है। कहानी का क्षार, हमें हर वक्त किसी भी चीज के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं और जिस चीज की तलाश कर रहे हैं, वो चीज वास्तव में हो ही ना।
अगर आपको हमारी स्टोरी छोटी शरारत की बड़ी सीख अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।